जीवन के बहुत महत्व रखने वाले टॉपिक्स से हम शुरुआत करेंगे। मैं उसको धर्म कहता हूं। अच्छा, क्या है कि ये जो विषय है धर्म का, ये अलग अलग लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग एंगल से उसको समझ ही रहे हैं जीवन में, लेकिन कभी कभी कोई बहुत रेगुलरली यूज होने वाला शब्द हो तो उसका यथार्थ मीनिंग जो है वो सब लोग एक साथ में समझ लें, उसके लिए मैं उसका मेरे मन में जो मीनिंग है वहां से शुरू कर रहा हूं। अच्छा, जैसे हर जीव का एक एक सोल का इंडिविजुअल लाइफ देखें, व्यक्तिगत जीवन देखें, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं जिसको कहता हूं कि सपोज मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट जीवन जा रहा है, तो उसमें हर व्यक्ति के जीवन के दो क्षेत्र हैं, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। उसमें व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस को, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को बाहर की दुनिया का बड़ा इन्फ्लुएंस होता रहता है। बाहर की दुनिया को देखें तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बाहर की दुनिया बनी है, लेकिन उस बाहर की दुनिया के प्रभाव के बावजूद हर व्यक्ति का इंडिविजुअल लाइफ जो है वो उनके अंदर घट रहा है हर मोमेंट। इन्फ्लुएंस्ड है बाहर की दुनिया से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, लेकिन हर व्यक्ति का, हर जीव का इंडिविजुअल जीवन कहाँ, तो मैं कहूँगा उनके अंदर घट रहा है हर क्षण। व्यक्तिगत चेतना में जीवन पनपता है हर जीव का, और एक एक जीव को देखा जाए तो जैसे लाखों जन्मों का जीवन व्यतीत करते करते, कभी शरीर लिया कभी छोड़ा, अलग अलग योनियां बदलते बदलते आज इन शरीरों के साथ हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, उसमें जैसे ये शरीर छूटने के बाद भी वो अनंत यात्रा चालू रहने वाली है, उसमें हर जीव का अपने अपने जीवन में एक फैंटास्टिकली पावरफुल रोल होता है। अच्छा, मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि भाई व्यक्तियों का असर तुम पर, वस्तुओं का असर, परिस्थितियों का असर, लेकिन उसी व्यक्ति के साथ उसी तरह की परिस्थिति में उसी वस्तु के सामने हर एक का अनुभव एकदम अलग अलग है। तो बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस है जरूर, लेकिन हर जीव का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। मैं जब कहता हूं धर्म तो उसमें मैं इस एक इंग्रेडिएंट को ऐड करता हूं कि जिसमें तुम अपना रोल पहचान पाओ। जैसे मैं कह रहा हूं बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वाली है, वैसे अंदर की दुनिया के हम सात क्षेत्र कहते हैं ना, 7 levels ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। सबसे स्थूल शरीर, दूसरा श्वास जिसके द्वारा शरीर चल रहा है, श्वास टूटे तो शरीर खत्म, तीसरा मन, चौथी बुद्धि, पांचवा चित्त,
छठा अहंकार, और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाले ये सब जीव, जब मैं कहता हूं तुम या आप या वो, तो मैं इन शरीरों को तो रिफर नहीं कर रहा, मैं उन जीवों को रिफर कर रहा हूं। इन शरीरों के साथ ये जीव बैठे हैं आज। अच्छा, उसका डायनेमिक्स देखिए कैसा है कि श्वास टूटा तो शरीर खत्म, लेकिन मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो जीव के साथ जुड़े हुए हैं, जीव की चेतना के ये चार मोड्स हैं, वो उसी स्थिति में आगे चलने वाले हैं। और इसीलिए आप ये देखें कि एकदम नए जन्मे हुए बच्चे का भी अपना स्पेसिफिक नेचर दिखेगा आपको। कुछ बच्चे जन्म से ही बड़े सात्विक उत्सव मनाने वाले आनंदित बच्चे होते हैं, रेयरली रोते हैं कभी छोटे से बड़े कारणों की वजह से, वरना ज़्यादातर प्रसन्न रहने वाले बच्चे, क्योंकि उसके पहले का जीवन वैसा ही जिए होंगे। माता पिता को ये पता होगा कि एकदम बचपन में 5-7-10 दिन का बच्चा हो, वो भी सोते सोते नींद में मुस्कुराता है, कुछ पास्ट का याद आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं ये जो जीवन यात्रा चल रही है उसमें हर जीव का जैसे इस लाइफ टाइम में अलग अलग रोल है, किसी का माँ का रोल, किसी का पिता का रोल, किसी का बिजनेसमैन का रोल, किसी का आर्किटेक्ट का रोल, किसी का आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का रोल है। ये सभी रोल कब तक? जब तक ये शरीर है। जैसे ही ये श्वास टूटी, शरीर खत्म, वो सब के सब रोल वहां खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली अंदर की दुनिया में जो प्रभाव इकट्ठा हुए, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वाली बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस इकट्ठा हुआ, इंप्रेशन इकट्ठा हुआ, जिसको हम कर्म कहते हैं या संस्कार कहते हैं, परिस्थितियों का प्रभाव कहते हैं, वो जो इकट्ठा हुआ होगा वो उसी स्थिति में आगे जाने वाला है। ये जानने की वजह से मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो मैं कहता हूं बाहर की दुनिया के व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति के उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी अंदर की प्रसन्नता, पवित्रता, सकारात्मकता बनाए रखना, ये तुम्हारा धर्म है। दूसरी बात, उस एक पर्पस को, उस एक सब्जेक्ट को और गहराई से अगर जाने तो आप देखेंगे बाहर की दुनिया है ना, उसका प्रभाव है तुम्हारी अंदर की दुनिया पर। मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि कोई व्यक्ति तुम में प्रेम का भाव जगाता रहता है बार बार, कोई परिस्थिति तुम में बार बार, जैसे ऑफिस जाते हो तो अलग भाव जगता है उस वातावरण में। सो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का प्रभाव है तुम पर, लेकिन इन 5 इंद्रियों के किवाड़, 5 इंद्रियों के द्वार बंद करो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे अंदर। अच्छा, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों का तुम्हारा जो अनुभव है वो कहाँ हो रहा है? तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर की दुनिया में हो रहा है। अच्छा, अंदर की दुनिया में जिस क्षण प्रसन्न भाव जगा, तो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का, बाहर की दुनिया का क्या खेल है ज्यादा मायने नहीं रखता। उस मोमेंट के लिए जीवन बड़ा सुंदर, क्योंकि प्रसन्नता है, आनंद है अंदर। सुंदर से सुंदर व्यक्ति और समृद्ध परिस्थितियां और सब तरह की लग्जूरियस चीजें इकट्ठा होने के बावजूद भी जिस क्षण अंदर की दुनिया में दूषित भाव हैं, गुस्सा है, परेशानियां हैं, नाराजगियां हैं, निराशा है, उस मोमेंट का जीवन का क्वालिटी वैसा ही। क्योंकि एक गहरा सत्य ये कि तुम्हारी अंदर की दुनिया में जो भाव जगते हैं वो उस क्षण की तुम्हारी जीवन की क्वालिटी तय करते हैं। जो भाव बार बार जगते हैं
उन भावों की तुम्हें आदत पड़ने लगती है जिसको हम वृत्तियां कहते हैं, और वही वृत्तियां अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से ट्रिगर होती रहती हैं, वही वृत्तियां अलग अलग लोग आके ट्रिगर करते हैं तुम में। तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति ट्रिगर करने का काम करते हैं, साधन बनते हैं। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी वृत्तियों की वजह से होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं हमें लगता है ऊपर ऊपर कि किसी की गड़बड़ की वजह से मुझे गुस्सा आया, मैं कहता हूं उस व्यक्ति के उस कार्य ने तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई गुस्से की आदत को ट्रिगर किया। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी आदत की वजह से है। मैं इसको रॉन्ग उसको राइट नहीं कह रहा हूं, लेकिन सपोज एक ही तरह का बिहेवियर 10 लोग देख रहे हैं तो उसी बिहेवियर को देख के अलग अलग लोगों की अलग अलग वृत्तियां ट्रिगर हो रही हैं। और वो वृत्तियां बनी कैसे होंगी? तो आज तक जिस तरह का जीवन जीते जीते वो व्यक्ति ऐसा बना है, यहां तक पहुंचा है, उन आधारों पर हर एक की वृत्तियां अलग अलग हैं। जब मैं धर्म कह रहा हूं, धर्म का मतलब क्या मैं समझता हूं कि अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली अंदर की दुनिया जहां अपना जीवन चल रहा है, उसकी तिकड़म को समझना और उसको अपने काबू में, अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखते हुए तुम जैसा जीवन चाहते हो वैसा अपने आप के लिए बना लेना, ये धर्म है। अच्छा, उसी धर्म में मैं ये कहूंगा, दो स्टेप्स में बांटूंगा मैं उसको, धर्म को। एक तरफ नेगेटिव टू न्यूट्रल कहूंगा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव। इसको और गहराई से समझाना चाह रहा हूं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा। आप देखिए, लाखों जन्मों वाले इस जीवन में जो जो भाव बार बार जगे उसकी वृत्तियां बनी हैं, उसमें उन वृत्तियों को थोड़ा सा गहराई से समझा जाए तो दो प्रकार की वृत्तियां समझ में आएंगी। एक तो जीवन को नुकसान करने वाली वृत्तियां हैं और दूसरे जीवन को बड़ा लाभ करने वाली वृत्तियां हैं, या नुकसान ना करने वाली वृत्तियां, टेंडेंसीज। नुकसान करने वाली वृत्तियों से जो नुकसान हो रहा है जीवन का, उस नुकसान को समझते हुए एक एक करके उस नुकसान वाली आदतों से मन को छुड़ाते जाना, वो नेगेटिव टू न्यूट्रल का स्टेप है। और एक एक जीव का जीवन देखो, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा आगे करेंगे ही हम। तुम्हारे अंदर बनाने वाले ने जो अद्भुत शक्तियों का भंडार रखा है, जिनको सिद्धियां कहते हैं, किसी का मन पढ़ लेने की सिद्धि, या तुम जो एक बार प्रार्थना करके एक बार प्रोनाउंस करो, अगर वाक सिद्धि डेवलप हुई हुई है तो वो मैनिफेस्ट होकर रहेगा। या जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं कि भाई आगे होने वाली कोई घटना है उसको पहले से भांप लेने की एक सिद्धि है। अपनी चेतना का एक्सपांड करते करते ब्रह्ममय हो जाने की एक सिद्धि है। मैं कहता हूं यू आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन द बिगेस्ट। ये जो ब्रह्म सत्य है उसका एट विल ऑन डिमांड अनुभव कर पाना, ये सिद्धि है। मैं कहता हूं कोई नकारात्मक भाव जगा है, तुम जब उसको त्यागना चाहो त्याग सकते हो, अपने मन को वापस प्रसन्न बना सकते हो, बड़ी सिद्धि है। मैं कहता हूं बहुत टाइट सिचुएशन पैदा हो रही है, मन व्याकुल होने लगा है, तुम जैसे ही उसको ऑब्जर्व करो, अपने मन में प्रेम और उत्साह का संचार करना चाहो तब कर सको, सिद्धि है। ऐसी इन अद्भुत सिद्धियों को
फुल्ली ब्लॉसम करने के लिए जीवन जीना, ये धर्म का दूसरा स्टेप है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव वाला। मैं ये कह रहा हूं, धर्म को अगर समझा जाए तो उसका सिनॉप्सिस मैं ये कहूंगा, कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो चेतना इन सुंदर सुंदर जीवों में है, उसी चेतना से ब्रह्म बना है। अपने उस मूलभूत ज्योतिर्मय ब्रह्ममय स्वभाव को पहचान कर जीवन जीना, यही धर्म है। रिकग्नाइजिंग योर इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड टू बी एबल टू लिव लाइफ फुली इज व्हाट धर्म इज। जैसे इस लाइफ टाइम में हम जो रोल प्ले करते हैं ना, जो किरदार निभाते हैं, उन किरदारों को सफलता से जीने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। अच्छी माँ बने रहने के लिए, अच्छे पिता बने रहने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए, अर्थार्जन में कहीं कोई कमी ना रह जाए उसके लिए, सपोज कोई हॉबी हो तो उसके लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या क्या तिकड़म करते रहते हैं जीवन भर। उसके साथ साथ में मैं ये कहता हूं, एक प्रयत्न ऐसा भी चलता रहे जिसके अंदर इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में, और इस जन्म का एक बड़ा सुंदर महत्व है। मैं कहता हूं सिर्फ मनुष्य योनि के पास ये मौका है कि तुम अपने अंदर भगवान का अनुभव कर लो, दिव्यता का अनुभव कर लो। और किसी प्राणी के पास वो सिस्टम उतना रिफाइंड है ही नहीं, प्रयत्न के बावजूद भी वो पॉसिबल ही नहीं। वो सिर्फ मनुष्य योनि के जीवों को मिला है वो आशीर्वाद उस बनाने वाले की तरफ से। तो 84,00,000 योनियों के बाद मिला हुआ ये मनुष्य जन्म किस तरह से इस्तेमाल कर लोगे, ये शरीर छूटने से पहले कैसी अपनी चेतना बना लोगे, वो बनाने के लिए इस लाइफ टाइम का इस्तेमाल कर लेना है, अल्टीमेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेना, मैं उसको धर्म कहता हूं। अच्छा, मैं ये भी देखता हूं जो हेल्पलेसली होने वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर धर्म जगा है वो हेल्पलेसली उसको बांटने में लग जाते हैं, रह नहीं पाते। जिनके अंदर वो स्पार्क जग गया अपने आप को पहचानने का, एक छोटा सा ग्लिम्स मिल गया उस दिव्यता का, हेल्पलेसली वो लगे रहते हैं कि लोगों को भी वो मिल जाए।
धर्म का एक और लेवल वो भी है ही माय डियर्स। अपने फुल ब्लॉसमिंग के लिए लगे रहना और अपने द्वारा लोगों के फुल ब्लॉसमिंग के अंदर साधन बनते रहना, ये भी धर्म ही है। और प्रकृति का, इस सृष्टि का स्वभाव ही है कि तुम्हें अगर कुछ मिला है तो तुम्हें अपनों के साथ उसको बांटने की इच्छा होनी ही है। मैं सिनोप्साइज करूं अगर धर्म को, तो मैं कहता हूं मनुष्य जन्म के इस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल अवसर को, मौके को ऑप्टिमली यूज कर लेना, स्वयं के ब्लॉसमिंग के लिए भी, दिव्यता के अनुभव के लिए भी, और स्वयं के द्वारा औरों के ब्लॉसमिंग के लिए भी, उनके अंदर की भगवत्ता के अनुभव उन्हीं को, उनको भी मिल जाए, उसके लिए भी। जिनको इस तरह के जीने में रस आया हो, इच्छा जगी हो, उनके लिए एक अनुशासनों का सपोर्ट स्ट्रक्चर भी मैं यहां ऑफर करना चाह रहा हूं। आप देखें, जीवन के किसी भी कार्य को अगर आपको और ज्यादा एफिशिएंट लेवल पर, इफेक्टिव लेवल पर संपन्न करना हो तो कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे ही। थोड़ा सा उन अनुशासनों को संभाल लिया जाए तो अपनी एनर्जी के कहो या अपने अटेंशन के जो लीकेज पॉइंट्स हैं ना, उनको ब्लॉक किया जा सकता है, उसी कार्य को हायर लेवल पर अनुभव किया जा सकता है। एम आई करेक्ट? तो आज हम कुछ अनुशासनों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला अनुशासन मैं कहता हूं, स्टूडेंट का कैप ऑन करो। देखिए, जीवन में हम अलग अलग रोल निभाते हैं, अलग अलग किरदार प्ले करते रहते हैं। जब हम इस धर्म को समझने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि बाकी सभी रोल की टोपियां हटाकर एक जीवन का विद्यार्थी बन के बैठना चाहिए। तो मैं कहता हूं सभी, बाकी सभी रोल की टोपियां उठा के फेंको और स्टूडेंट का कैप पहन लो, एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार हो जाओ। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, विद्यार्थी के लिए मैं ये कहूंगा, एक फैंटास्टिक फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला एक इक्वेशन, कहते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यास। श्रवण माने क्या? तो ओपन हार्टेडली चीजों को सुनना, ग्रहण करना, ग्रास्प करते जाना,
लाइक ए स्पॉन्ज। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं तो देखिए, हर व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, जीवन का कोई भी एस्पेक्ट आप गौर से देखोगे तो डायमंड जैसा है। अलग अलग एंगल से वही चीज, वही परिस्थिति एकदम ही अलग अलग नजर आती है। पैसे की अगर बात करें हम, वही पैसा किसी को भोगों का साधन नजर आता है, वही पैसा किसी के लिए साधना, सत्संग, सेवा करने के लिए एक आशीर्वाद की तरह नजर आता है, वही पैसा किसी के लिए ये होगा कि मेरे पिताजी के नाम पे मैं धर्मशाला बनाना चाहता हूँ, वही पैसा किसी और के लिए ये हो सकता है कि मुझे जो हार्डशिप भोगनी पड़ी है मेरे जीवन में, मेरे बच्चों को वो हार्डशिप ना मिले, उसके लिए मैं पैसा कमाना चाह रहा हूँ। एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को, एक ही परिस्थिति को अलग अलग लोगों के अलग अलग एंगल से देखा जाए, एब्सोल्युटली अलग अलग नजर आते हैं। कोई भी एंगल गलत होना जरूरी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं पूर्ण होना भी जरूरी नहीं। इसलिए अपना मन खुला रखते हुए, नॉन जजमेंटल रहते हुए, अलग अलग एंगल से उसी सत्य को, उसी चीज को देखने के लिए मन खुला रखना, यह श्रवण है, ओपन हार्टेड लिसनिंग कहूंगा मैं उसको। आपने जो अनुभव किया है उसी जीवन के सत्य का, वो अपूर्ण हो सकता है, मैं रॉन्ग नहीं कह रहा हूं उसको। इसलिए दूसरे एंगल से अगर उसका वर्णन किया जा रहा है तो उसको डिनाई नहीं कर देना। अच्छा, जीवन के सत्यों को देखोगे तो एक तरफ से डायमंड जैसा है और दूसरी तरफ से ऑनियन जैसा है। एक 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 परत खोलते जाओ, एकदम ही अलग नजर आता है वो। सुन रहे हो ना? उसी पैसे का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि पैसा कमाने की इच्छा कितने लोगों के है, तो बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं। लेकिन क्यों पैसा कमाना है, एक लेयर खोलो तो हरेक का सत्य अलग होगा। वो पैसा कमाने का वो पर्पस कैसे आया उनके जीवन में, और एक लेयर खोलो तो हरेक का पास्ट रिफर हो जाएगा वहां कि कुछ हुआ है भूतकाल में, उसकी वजह से वो इच्छा जगी है, उसकी वजह से पैसा कमाना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मनी का एक ही पॉइंट मैं कह रहा हूं अलग अलग एंगल से अलग अलग नजर आता है, वैसे ही मैं कह रहा हूं एक एक लेयर खोलते जाओगे हर एस्पेक्ट का, हर पहलू का, तो वो भी अलग अलग नजर आएगा। सो एवरीथिंग इन द एग्जिस्टेंस, ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल एट द सेम टाइम मल्टी लेयर्ड। एक डायमंड जैसा भी है सत्य और ऑनियन जैसा भी है, उसकी परतें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूं कि किसी का कोई बहुत आक्रोश वाला बिहेवियर आप देख रहे हो, एक लेयर खोलो कि ये आदमी ऐसा कैसे बना। तो जो गुरुदेव कहते हैं वो सत्य यहां खुलेगा। गुरुदेव कहते हैं Every criminal has a victim inside them crying for help. कोई व्यक्ति इतना कड़ा बन गया जिसकी, जिनके हाथों से क्राइम हुआ, उनका जीवन देखोगे तो कुछ हुआ है पास्ट में, बहुत कड़ा हो गया है मन, कुछ बहुत स्ट्रेसफुल इंटेंस घटनाओं का उन्होंने अनुभव किया होगा जिसकी वजह से वो वैसे बने। इसलिए मैं कहता हूं किसी बिहेवियर को, किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को अलग अलग एंगल से देख लेने के लिए और उनके गहरे लेयर्स को अनुभव कर पाने के लिए मन को खुला रख लेना, ये श्रवण है, रिसेप्शन है, ओपन हार्टेड लिसनिंग है। स्टूडेंट बने रहने का बहुत बड़ा लाभ है कि तुम ये कह सको मुझे अभी तक समझ में नहीं आया,
लेकिन हो सकता है कुछ होगा उसके पीछे। नॉन जजमेंटल रहने का यह बहुत बड़ा लाभ है। श्रवण स्टूडेंट कैप का पहला स्टेप। फिर मैं कहता हूं मनन, जो चीज तुम सुन रहे हो उसका तुम्हारे जीवन में जो संबंध है, रेफरेंस है, उसको भी समझ लेना यह मनन है। रिकग्नाइजिंग हाउ इट इज रेलिवेंट टू योर ओन लाइफ थ्रू कॉन्टेम्पलेशन, थ्रू मनन, थ्रू विचार, थ्रू चिंतन। और फिर तीसरा स्टेप निधिध्यास माने, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जो आपने सुना और उसके ऊपर मनन किया उसको अपने जीवन में धन बना लेने के लिए, अपने जीवन में उसको उतार लेने के लिए, सुंदर अनुभव में उसको रूपांतरित कर लेने के लिए जो आपको कमिटमेंट करना पड़ता है, इट्स ए पार्ट ऑफ निधिध्यास टिल इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का धन बने, निधि बने, निधिध्यास उसको कहते हैं कि निश्चय किया लगे रहे जब तक वो तुम्हारे जीवन का धन ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कितने सारे लोगों को ये पता ही होगा कि साधना से अपने जीवन को बड़ा समृद्धि मिलती है, लेकिन अगर समझ लेने के बाद अपने जीवन में उसको पहचान लेने के बाद भी अगर कमिटमेंट नहीं हुआ तो उस फैंटास्टिक एक्टिविटी का, साधना जैसी फैंटास्टिक धन का आपके जीवन में कोई अनुभव मिलेगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं। वो गारंटी तभी मिलता है जब हम निश्चय करके लगे रहते हैं उसके पीछे। कभी किसी और सब्जेक्ट में बात करते हुए कमिटमेंट का महत्व समझाऊंगा। व्हाट इज कमिटमेंट एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। मैं कहता हूं एक वाक्य में अगर मैं समझाऊं तो ये निरंतर बदलते रहने वाले इस जीवन के खेल में व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां भी बदलती रह रही हैं, आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली अंदर की दुनिया भी कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने भाव बदल रही है। इस निरंतर बदलती हुई इस बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया का अंदर की दुनिया पर प्रभाव, अंदर की दुनिया का बाहर की दुनिया पर प्रभाव, कंटिन्यूअस चेंज इज गोइंग ऑन। ऐसे इस निरंतर बदलते हुए इस प्रवाह में जीवन के किसी एक विचार को निरंतर धारण करके रखना ये कमिटमेंट है। तुम्हें हर क्षण साधना का महत्व याद रहे या ना रहे, कंड्यूसिव एटमॉस्फियर मिले या ना मिले, एक निश्चय किया है, एक कमिटमेंट धारण किया है तो इच्छा हो या ना हो, सपोर्ट मिले या ना मिले, कुछ भी हो जाए साधना छोड़ेंगे नहीं। ये कमिटमेंट कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम विकल्पों को अपने मन में पनपने का मौका ही नहीं देते जब संकल्प निश्चित हो जाए, उसको कमिटमेंट कहते हैं। जब तक साधना पूरी नहीं होती तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, मैटर फिनिश हो गया, कमिटमेंट है। किसी मूवी का डायलॉग है ना कि एक बार जो मैं कमिट कर लेता हूं उसके बाद मैं अपने भी नहीं सुनता, यही महत्व है कमिटमेंट का। मुझे पता नहीं कौन सा मूवी है, बट आई एम सेइंग अपनी बुद्धि जो रेगुलर बेसिस पे चयन कर रही है, डिसीजंस ले रही है, अवेलेबल ऑप्शंस में से चूज कर रही है, कोई एक ऑप्शन
अपने जीवन के लिए लंबे समय के लिए चॉइस कर लेना, इसको कमिटमेंट कहते हैं। इच्छाओं अनिच्छाओं प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो। एक बार निश्चय किया है तो हम करने वाले हैं। इसको निश्चयात्मिका बुद्धि भी कहा है। ऐसी बुद्धि जो श्रवण के द्वारा समझी हुई चीजों को और मनन के द्वारा एनालिसिस हुई हुई चीजों को, श्रवण के द्वारा सुनी हुई और मनन के द्वारा समझी हुई चीजों को अपने जीवन में रेगुलर बेसिस पर उतारने के लिए, प्रैक्टिस करते रहने के लिए तत्पर है, ऐसी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। और इसको ब्रह्म प्राप्ति के लिए एक योग्यता की तरह बताया है। आप जिस स्थिति में हो वहां से आगे जाने के लिए अगर आप गौर से देखोगे, कमिटमेंट वाला मन नहीं हो तो हवा के झोंके की तरह घूमता रहता है व्यक्ति। कभी यहां से झोंका आया तो वहां उड़ा, कहीं वहां से झोंका आया तो यहां उड़ा। एक सूखे पत्ते की तरह। सुन रहे हो क्या मेरी बात? किसी दिशा में पहुंचता नहीं, परिस्थितियों पर डिपेंडेंट निर्भर, मन की स्थितियों पर बेकाबू अवस्था में ही जीवन जीता रहता है। आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर? ये कमिटमेंट का महत्व है। अनुशासनों के लिस्ट में मैं पहला अनुशासन ऑफर कर रहा हूं, स्टूडेंट बने रहने का कमिटमेंट करें। विद्यार्थी बने रहें तो अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग लोग, इवन छोटे बच्चे भी आपको कुछ न कुछ सिखाते जाएंगे। अगर स्टूडेंट का कैप ऑन नहीं रह पाया तो बड़े से बड़ा ज्ञानी आकर भी कुछ नहीं सिखा सकता था। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सिखाने वाले का महत्व जितना है उससे कहीं ज्यादा महत्व है सीखने वाले का। सुन रहे हो क्या मेरी बात? आप देख लीजिए ना, एक ही क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर तो वही सिखाते हैं सभी बच्चों को, लेकिन उसी क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं एक ही चीज, और एक बच्चा 95% मार्क्स के साथ फर्स्ट रैंक लाता है और दूसरा 35% भी मार्क नहीं ला पाता, पास भी नहीं हो पा रहा है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? ऐसा ही है गेम जीवन का भी। सुन रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूं विद्यार्थी बने रहने का महत्व, स्टूडेंट कैप ऑन रखना पहला अनुशासन। थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि एक इनग्रेंड हो जाए, कमिटमेंट जग जाए उसके लिए। दूसरा अनुशासन, कुदरत का दिया हुआ अद्भुत ताकतों वाला मन है हरेक का। मैं कहता हूं अपनी चेतना में उत्साह जगा के रखना। तुम अपने मन में जब जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो। ये ताकत हरेक के अंदर है कि नहीं मुझे बताओ। अभी उत्साह जगाओ तो अभी जगेगा। अच्छा, उत्साह के साथ में मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन करो, उत्साह भी जगाओ और प्रेम का तड़का भी डालो, फिर देखो कैसी समृद्ध चेतना हो जाती है, कैसी मधुर हो जाती है, कैसी सुंदर बनने लगती है चेतना। जैसे ही प्रेम जगता है देखो कैसे सुंदर होने लगते हैं सब। मैं कहता हूं इस सिद्धि का जो हरेक के अंदर अबंडेंटली अवेलेबल है, इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए,
और उस प्रैक्टिस के लिए अनुशासन चाहिए। दूसरा अनुशासन क्रिस्टल क्लियर, उत्साह जगा के रखना, प्रेम का तड़का डालते रहना। फिर तीसरा अनुशासन उत्साह और प्रेम, मैं इसलिए कहता हूं जैसे ही तुम उत्साह जगाते हो ना, तुम जो कार्य कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी बदल जाती है पूरी। करके देखिएगा। अच्छा, मुश्किल हालातों में उत्साह जगा के रखना सीख लो। परिस्थिति प्रतिकूल है, कोई बहुत खड़ूस व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, उसके सामने होते होते भी उत्साह जगा लो, प्रेम का तड़का डाल लो। मैं उसके इस तरह से समझाता हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया को तुम वनडे इंटरनेशनल में हराना सीख जाओ तो जिम्बाब्वे को तो आसानी से हरा लोगे। सेकंड अनुशासन, उत्साह जगाओ, प्रेम का तड़का डालो अनकंडीशनली। तीसरा अनुशासन, जैसे दूसरे अनुशासन में जब जो भाव जगाना चाहो वो जगाने की सिद्धि को काम में लगाते हैं हम, वैसे तीसरे अनुशासन में तुम जब त्याग जो त्यागना चाहो त्याग सकते हो, इस सिद्धि को भी काम में लगाना चाहिए। माय डियर, मैं उसको तीन स्टेप का प्रोसेस कहता हूं। द थर्ड अनुशासन, थर्ड डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। इस मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट जो जीवन जा रहा है ना, उसमें अलग अलग लोगों, परिस्थितियों, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों के सामने तुम्हारी चेतना में जो भाव जग रहे हैं, तुम्हारी चेतना में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते रहना, अवेयर होकर निरीक्षण करते रहना, निहारते रहना, ये पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। दूसरा स्टेप है, मैं उसको विवेक का फिल्टर लगाने के लिए कहता हूं, भाई तुम्हारे अंदर जो घट रहा है उसको ऑब्जर्व किया, उसको फिल्टर अगर लगाना सीख गए कि भाई क्या रखने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। अच्छा, मैं कहता हूं तुम्हारा विवेक, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा सयानापन, तुम्हारी बुद्धि ऑलरेडी जानती ही है कि क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, यू ऑलरेडी नो इट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। मैं उसी अनुभव जनित विवेक को काम में लगाने के लिए कह रहा हूं यहां। ऑब्जर्व किया, फिल्टर लगाया कि रखने योग्य है कि नहीं है, तब एक फैंटास्टिक मौका खुलता है सडनली। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको पूछूं ये भाव रखने योग्य हैं या त्यागने योग्य हैं, तो तुम खुद ही अपने अनुभव से बता लोगे। गुस्सा कैसे पता? पता ही है। चिंता त्यागने योग्य, कैसे पता? यू ऑलरेडी नो इट, अपने अनुभव से ही पता है। प्रेम रखने योग्य, उत्साह, जिम्मेदारी, करुणा, हाउ डू यू नो? यू ऑलरेडी नो। मेरा पॉइंट यह है, नेचर ने अपने अनुभवों से ही तुम्हें जो सिखाना है वो सिखा दिया है। इसलिए उस फैंटास्टिक एक्सपीरियंस का सिनॉप्सिस अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेने के लिए इन अनुशासनों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए मैं कहता हूं ऑब्जर्व करना सीखें, उसको विवेक का फिल्टर लगाना सीखें, और तीसरा, जो त्यागने योग्य भाव हैं उनको त्याग कर फ्री हो जाना सीखें। और उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूं सांस अंदर लो,
गुरु का स्मरण करो और बाहर जाने वाले श्वास के साथ समर्पण कर देना। ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर, ये तीसरा अनुशासन है। ये याद रखना, अगर फाइल बड़ी होती है तो डिलीट होने में टाइम लगता है। फोल्डर बड़े हों साइज में, लंबे समय से इकट्ठा हो रही है चीज़ें उसमें, तो थोड़ा सा समय लगेगा छूटने में, लेकिन छूटेंगी ज़रूर। डिलीट बटन ऑलवेज वर्क्स। जैसे जैसे गड़बड़ों को त्यागते जाओगे, उसकी जो पकड़ है तुम्हारे मन पर, धीरे 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 छूटती जाएगी। ये तीसरा अनुशासन है ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर का। फिर चौथा अनुशासन, सब सुन रहे हो? एक तरफ हम बड़े सुंदर भावों को अपने मन में जगाने का अनुशासन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गड़बड़ वाले भावों को त्यागने का अनुशासन कर रहे हैं, तो चौथा अनुशासन ये है कि गड़बड़ वाले भाव फिर एक बार इकट्ठा ना होते रहें, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। अब गौर से देखो, जितना तुम सोशल मीडिया देख रहे हो, सब तरह का कचरा बॉम्बार्ड हो रहा है तुम्हारी कॉन्शियसनेस पर। अच्छा, अगर तुम अपनी चेतना को विशुद्ध बनाए रखना चाहते हो, तो इस गंदगी के बॉम्बार्डमेंट से तुम्हें बचना ही पड़ेगा। इट इज ऑलमोस्ट लाइक एक तरफ तुम वैक्यूम क्लीनर लगा के बैठे हो, जो भी कचरा आता जाएगा हम उंडेलते जाएंगे बाहर, और दूसरी तरफ बाहर से कचरा ला ला के अपने ही घर में डाल रहे हो। ये चेतना तुम्हारा घर है भाई, दिस इज वेयर यू लिव। लोग अपने अपने जीवन में करने वाले व्यभिचार बेभान होकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और उतनी ही बेभान अवस्था में बेवकूफ लोग, अंधे, उसको अपनी चेतना में भर रहे हैं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? और क्या पा रहे हैं? लाइक्स पा रहे हैं, थम्सअप पा रहे हैं। उसी थम्सअप को अगर तुम एक्चुअली देखोगे ना, ठेंगा मिल रहा है तुम्हें। किसी को तुम अपने ही शरीर का प्रदर्शन करके क्या जगाओगे? भई अलग लोगों का काम है, वो उनको करने दो। वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कोई अतिशय अभाव से, स्मॉलनेस से पीड़ित अपना प्रदर्शन करे और उस प्रदर्शन में तुम्हें रस आए, ओ माय गॉड। सुन रहे हो क्या मेरी बात? आगे हम उसकी चर्चा करने ही वाले हैं, क्या त्यागने योग्य है भाई, नुकसान वाली वृत्तियां कौन सी हैं। तो देखोगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आप अगर गौर से देखो, इस नेटफ्लिक्स से लेके, प्राइम वीडियोस से लेके, सोशल मीडिया से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, क्या बॉम्बार्ड हो रहा है भाई, यही दिखेगा तुम्हें।
या तो काम वासना ट्रिगर होगी या कोई अपना क्रोध एक्सप्रेस कर रहा है या लोभों से पीड़ित खेल चल रहे हैं या यहां मन दे दिया वहां दिल दे दिया, मोह मोह मोहांधता ही बेवकूफों की तरह ईगो के अलग अलग फ्लेवर्स का बेभान अवस्था में एग्जीबिशन हो रहा है या जेलसी ट्रिगर करने वाली चीजें हो रही, मत्सर हो रहा है। ऐसे इस राक्षसों के खेल में हमें क्यों रस लेना चाहिए भाई? मैं कहता हूं धर्म पर आया हुआ व्यक्ति ये चौथा अनुशासन करे तो अपने मन को बचा के रख सकता है इस माया के खेल से। सुन रहे हो क्या मेरी बात? इसलिए मैं चौथा अनुशासन कह रहा हूं, सेव योर माइंड फ्रॉम सोशल मीडिया। जितना जरूरी है न्यूज के साथ अपडेटेड रहने के लिए, वो ट्विटर में देख लिया 10-12-15 मिनट दिन का इनफ है। जो भी वर्ल्ड न्यूज है, नेशनल न्यूज है, लोकल न्यूज है, समझ में आ ही जाएगा। उसके लिए जरूरी है चलो भाई 10-15 मिनट का उतना समय दे दिया जाए उसको। जितना वो वोयरिज्म से, भोग से पीड़ित होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है उससे बचना चाहिए, ये चौथा अनुशासन है। मैं फिर से एक बार लिस्ट दे दूं। पहला अनुशासन, स्टूडेंट का कैप ऑन रखो, उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यास करते रहना। दूसरा अनुशासन, प्रेम जगाते रहना, उत्साह का तड़का डालते रहना, प्रेम उत्साह से जीवन जीते रहना, समृद्ध होते जाता है जीवन। तीसरा अनुशासन, ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर, जो त्यागने योग्य चीज है उसको त्यागने के लिए हम तत्पर हैं, सिर्फ रेडी हैं ऐसा नहीं, हम तत्पर हैं। वी आर वेटिंग कि गड़बड़ आई हम भाव नहीं देंगे। सुन रहे हो मेरी बात? चौथा अनुशासन, वापिस गड़बड़े इकट्ठा ना हो उसके लिए सोशल मीडिया से बचे रहेंगे। जो सचमुच जरूरी है वो फिल्टर लगा के ही हम अब इस मंदिर में उसको स्थान देंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? ऐसा समझ लीजिए तुम्हारी चेतना तुम्हारा मंदिर है, जहां गुरुदेव रहते हैं, शिव रहते हैं, वहां कचरा कैसे हो सकता है भाई? और उसके लिए ये चौथा अनुशासन है। फिर पांचवा अनुशासन, मैं कहता हूं किसी भी कीमत पर हम अपनी साधना छोड़ेंगे नहीं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा अभी, ये ऐसा समझ लीजिए ये मस्ट है। जब तक साधना पूरी नहीं होती तब तक हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, प्रॉमिस कर लो। परफेक्ट, गॉट इट? इसके बारे में चर्चा बहुत बार हो चुकी है, मैं आगे भी मौका मिलने पर करूंगा। कहते हैं साधना से स्थिर हुआ हुआ मन है तो उसमें ब्रह्म प्राप्ति का विचार और उसके संकल्प टिकते हैं। साधना से खाली और प्रसन्न हुआ हुआ मन और साधना से चढ़ी हुई ऊर्जा, प्रसन्न हैप्पी माइंड एंड हायर लेवल ऑफ एनर्जी, ये धर्म के आधार बनते हैं माय डियर तुम्हारे जीवन में, और उसके लिए साधना चाहिए। क्लियर है एकदम? पांचवा अनुशासन, कुछ भी हो जाए अपनी साधना नहीं छोड़ो। फिर छठा अनुशासन, जिसको मैं स्व अध्याय कहता हूं, आगे उसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा होगी। अपने आप को पहचानने की चेष्टा है, अपने जीवन में अपना जो रोल है उसको ऑप्टिमली निभाने की चेष्टा है। स्व अध्याय का जो गेम है मैं उसको आगे समझाऊंगा, ये छठा अनुशासन है, वो समझ लेने के बाद वो आप अनुशासन करिएगा। और फिर सातवां अनुशासन, एवरी डे
अपनी तरफ से कुछ न कुछ सेवा होती रहे। इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे मैं करने वाला हूं, लेकिन इन सात अनुशासनों के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। सेवा क्यों, इसकी चर्चा आगे सुनेंगे, लेकिन सेवा करने से शुरुआत करेंगे। सिंपल डेफिनेशन ऐसी है, तुम्हारे किसी कार्य से किसी का कल्याण रेगुलर बेसिस पे होता रहे। तुम्हारे किसी कार्य से किसी का कल्याण, तो ये सेवा है, और उस कल्याण से जगे हुए पुण्य से तुम्हारे आगे के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए हम सेवा का निश्चय करके उसको अपने अनुशासनों का अंग बना लेते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? ये सात अनुशासन हैं आज, मैं फिर से एक बार लिस्ट दे रहा हूं। नंबर वन, विद्यार्थी बने रहो। नंबर टू, उत्साह भी और प्रेम भी रेगुलर बेसिस पर जगता रहे तुम में, उसकी आदत डाल लो। नंबर थ्री, ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। जो अप्रसन्न भाव हैं, उन भावों को अपनी चेतना में बिल्कुल भाव नहीं है, उसको त्यागते जाना ये निश्चय है। चौथा अनुशासन, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बॉम्बार्डमेंट होने नहीं देंगे गड़बड़ों की। पांचवा अनुशासन, किसी भी कीमत पर हम अपनी साधना छोड़ेंगे नहीं। छठा अनुशासन, हम स्व अध्याय ये अपने जीवन का आधार बनाएंगे। ये स्वाध्याय के बारे में आगे चर्चा होगी, तब और क्लियरली समझ में आएगी बात। और फिर सातवा अनुशासन, हमारे द्वारा बहुत रेगुलर बेसिस पर किसी न किसी का कल्याण होता रहे, उनके जीवन में सत चित और आनंद के मार्ग खुलते रहें, उसके लिए साधन बनते रहने का निश्चय, ये सेवा का निश्चय है। इन सात निश्चयों के साथ हम इस धर्म की यात्रा शुरू कर रहे हैं। Lots and lots and lots of love to everyone.